कटनी के मिस्त्री, मोटर गैराज मैकेनिक, ऑटो पार्ट्स, दुकानदार, बस स्टैंड के यूनियन के सदस्यों को नगर निगम ने नोटिस जारी किया है, जिस नोटिस में नए अनुबंध और किराए को नए नियम जारी किए गए हैं। मामले को लेकर समस्त कर्मचारी नगर निगम कमिश्नर सतेंद्र धाकड़े से मिले। समस्त दुकानदारों ने अपनी समस्या कमिश्नर को बताई। बस स्टैंड दुकानदार संघ की तरफ से आज हम लोग सब यहाँ पे आए थे और माननीय कमिश्नर साहब ने ये अभी बोला है कि 10 दिन के अंदर इन सब चीज़ों का निराकरण करेंगे और हमारे बस स्टैंड का एक बार अवलोकन करेंगे खुद आके पर्सनल, और एक एक जगह कर मतलब जाके देखेंगे कि क्या स्थिति है दुकानदारों की और वहाँ पे दुकानों की क्या स्थिति। नोटिस दी गई है कि आप अपना अनुबंध कराओ और उसमें अनाप शनाप पैसा मांगा जा रहा है। अनुबंध था मगर 89 में अनुबंध हुआ था, 89 बीच में अभी फिर कोई अनुबंध उसके बाद से कोई नहीं हुआ। ये अभी बोल रहे हैं कि नए नियम आके सरकार का जब मन होगा तब वो अपने हिसाब से काम करेगी। नहीं, हम लोग किसी प्रकार नहीं, स्थिति ही नहीं है ना, कैसे राजी हो जाएंगे? हमारी स्थिति नहीं, अधिकारी ने दी है कि 10 दिन के अंदर हम आपकी सभी बातों का निराकरण करेंगे। माननीय कमिश्नर साहब ने खुद कहा है और उनको भी ये लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है मामले में। बस स्टैंड प्रदर्शनी बस स्टैंड से एकत्र हुए हैं, वहाँ पे विगत दिनों से कई नोटिस दिए जा रहे हैं अनुबंध के नाम पे कि नगर निगम से नया अनुबंध कराना है और उल्टी सीधी राशि बताई जा रही है। तो यही सब कमिश्नर साहब के पास आए थे ये बताने के लिए कि एक्चुअल अमाउंट क्या है, और कई लोगों के पास पुराना अनुबंध है तो क्या वो अनुबंध रद्द माना जाएगा। कमिश्नर साहब ने देखा, बड़े अच्छे से बात की, अनुबंध की स्टडी करी और उन्होंने बोला कि जो जिसके पास पुराना अनुबंध है उसका नवीनीकरण हो जाएगा और जिसको नया अनुबंध करना है उसकी राशि की गणना करने को करीब 5-6 दिन बाद बोले हुए हैं। वो 5-6 दिन के दौरान एक नॉमिनल राशि का उन्होंने आश्वासन दिया है और ये दौरा करने को भी बोला है, और वो बोले हैं कि मैं बस स्टैंड में दौरा करूंगा और सब कुछ करके ही राशि अमाउंट करूंगा। लगभग हम लोग ने अंदाजे लगाया कि 1500 से 2000 के बीच में राशि रहेगी अनुबंध, और यदि इतनी राशि रहेगी तो सभी दुकानदार भाई लोग हैं अनुबंध करा लेंगे। नगर निगम का पूरी तरह सहयोग करते हैं, नगर निगम से सहयोग भी बना और नगर निगम के क्षेत्र में है इसलिए नगर निगम से भी आशा करते हैं कि पूरी तरह सहयोग करें। दुकानों का रिन्यूअल एक सतत प्रक्रिया है, जिन लोगों को 3 वर्ष का आवंटन किया गया था उनको 3 वर्ष के बाद दुकान का रिन्यूअल कराना जरूरी है। शासन के निर्देश हैं कि जितने भी दुकानों का आवंटन कॉरपोरेशन ने या किसी डिपार्टमेंट ने किया है तो उसको प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराना आवश्यक है, क्योंकि ये पूर्व के आवंटन है, 1981-82 के आवंटन है, तो उस वक्त ये 5 रुपये के स्टाम्प पेन का आवंटन कर दिया गया था। इन सबका रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तो सभी को रजिस्टर्ड कराने के लिए नगर निगम ने नोटिस दिया था। प्लस जो प्रीमियम और किराए के निर्धारण का भी शासन ने नियम बनाए हैं, कुछ युक्तिकरण किया है जो कि कलेक्टर गाइडलाइन से उसको जोड़ा गया है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके उनका किराया और प्रीमियम और रजिस्ट्रेशन तीनों कराने के लिए ही उनसे हमने नोटिस दिए हैं। दुकानदारों को कुछ कन्फ्यूजन था, उनको ये कहना था कि हमको प्रत्येक दुकान के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया जाए कि हमको कितनी राशि लगेगी गणना करके। मैंने कार्यालय को ये निर्देश दिया है कि गणना स्पष्ट करके उनको बताया जाए, इसी के किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना।